दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट डिपार्टमेंट में। विश्व के भूगोल में मॉरिशस देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। आइए जानते हैं मॉरिशस देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टेक्निकल सफर। आपको बता दें कि मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकी ऐसा देश है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक रहते हैं, और यहाँ के एक खास बात है कि पूरे मॉरिशस में किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ मॉरिशस की 40% आबादी रहती है। और इस देश में पीले रंग का एक परिंदा होता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस का नाम डच द्वारा 17वीं शताब्दी में प्रिंस मॉरिट्स वास नसाओ के नाम पर रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पुरुषों की जीवन दर 70 साल और महिलाओं के लिए 75 साल है, और अफ्रीकी देशों के औसत से सबसे ऊपर है। इस देश की मुख्य भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है। मॉरिशस में गन्ना मुख्य कृषि उत्पाद है, वहीं अनानास के पेड़ों को भी पूरे आइसलैंड पर देखा जा सकता है। मॉरिशस में 50% हिंदू रहते हैं और बाकी बचे 50% मुस्लिम और क्रिश्चियन है। 7 Colored Earth मॉरिशस यानी 7 रंगीय पृथ्वी मॉरिशस के फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। इसमें 7 अलग-अलग रंग के रेट के टीले हैं, जिसमें मुख्यतः लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला, बैंगनी और पीला रंग है। 2017 में मॉरिशस को दुनिया के केवल 4 देशों में से नामित किया गया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू संघर्ष में कोई भागीदारी नहीं थी और पड़ोसी देशों के साथ कोई तनाव नहीं था। आपको बता दें कि मॉरिशस में किसी भी अफ्रीकी देश के तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको शायद जलन हो। किस देश में सार्वजनिक परिवहन छात्रों, विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त है? मॉरिशस एक ज्वालामुखी द्वीप है जो पहली बार लहरों के ऊपर 8 मिलियन साल पहले आया था। मॉरिशस को पहली बार 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था और बाद में क्रमशः 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश द्वारा बसाया गया था। इसने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की। मॉरिशस लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। समुद्र तट की 177 किमी है। इसका अधिकांश भाग सफेद रेतीले समुद्र तटों द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पर ट्रूऑंक्स नामक एक बीच है जो कि 2011 में दुनिया का सबसे अच्छा समुद्र तट डेस्टिनेशन नामित किया गया था। इस देश को अक्सर दुनिया का सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन चुना जाता है। अगर आपको यह फैक्ट पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्तों आपको बता देगी, मॉरिशस पूरे अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HRDI का एक गौरवशाली अधिकारी है। शायद ही आपको पता हो कि लगभग 90% मॉरिशस की आबादी शिक्षित है। एक अनुमान से पता चलता है कि मॉरिशस धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ष औसतन 700 से अधिक घंटे खर्च करते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज को भी 4 बैंड के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके 4 रंगधारियों के कारण होते हैं। लाल रंग गुलामी को खत्म करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रक्तपात का प्रतीक है। ब्लू मॉरिशस के आसपास विशाल और पराक्रमी हिंद महासागर का प्रतीक है। पीला उज्ज्वल का प्रतीक है, भविष्य के आगे चमक रहा है। और ग्रीन द्वीप पर रसीला हरी वनस्पति का प्रतीक है। मॉरिशस मिला वेनील नेचर पार्क में कैद ब्रेड विशालकाय एल्डबरा कछुओं का दुनिया का सबसे व्यापक संग्रह है। उनकी गिनती हजारों में फैलती है और आगंतुक उन्हें पालतू बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मॉरिशस के द्वीपों में 1.36 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं, जो एक महत्वपूर्ण अंतर से मूल निवासी को पछाड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मॉरिशस देश के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।